आम आदमी पार्टी अगर ये कह दे है कि भी मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण होगा, ये भी बीजी की बात ना करके, फिर ब्राह्मण क्या आम आदमी पार्टी कहां जाऊंगे? देखो जी, ब्राह्मण समाज जाएगा ईबीपी जी कोटा का जो बाल करे, मतलब सरकार लेने की गुंजाइश हो ना हो, खोन की गुंजाइश जरूर है, खोन की गुंजाइश है। या तो हमारा ईबीपी जी कोटा बाल कर दे, वरना हमने दूसरी पार्टियों, तो हमारी बात चली हुई। तो आपके बिचौलिए भी कर गए थे इस प्रोग्राम में जी, आपकी तो मीटिंग करवाएंगे, खट्टर साहब सामने बैठे होंगे, सेक्रेटरी साहब होंगे, एजी साहब होंगे, और पहली मीटिंग में यार आपका काम ऐसे गोली देके बिचौलिया का दे था 11 दिसंबर की रैली को सफल बनाने का, वो अपना वो सफल होगी आगे। अब वो फोन भी नहीं उठाते, हमारी मीटिंग करवा देनी थी। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ज्यादा लंबा नहीं, छोटा इंटरव्यू करांगे। इंटरव्यू का विषय है ईबीपी जी। हमारे साथ ब्राह्मण आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित हरिराम दीक्षित जी बैठे हैं। भाजी राम राम। राम 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 राम। उम्र मेरे ख्याल से लगभग 85 और 90 के बीच में होगी होगी जी। 92 ईयर जी। ईबीपी जी की बात करा, एक ब्राह्मणों का प्रोग्राम होया करनाल में जी। और वो मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम था। यूं लगा था भाई कि इससे बड़ा आज तक कभी किसी परशुराम जयंती है कहीं भी होया नहीं होगा। हाँ, कोने कोने से आई ना, ये दिलासा दिलाई गई कि ब्राह्मणों के जो काम है, जो भी मांगे हैं पूरी करी जाऊंगी। और आपके पास भी कई बार मीटिंग हुई कि भाई आपकी जो मांगे हैं वे रखो और वे मांगे पूरी करी जाएंगी। मामला तो आपके पास एक ही है, आपने तो कोई बदली करानी नहीं, कोई नौकरी लगवाना नहीं। मेरे ख्याल से 2007 में शुरू हुआ, आज 2023 है, इतने 16 साल हो गए इस बात ने। एक ही मुद्दा है ईबीपी जी का। तो क्या अभी इस बात पे मांग बढ़ी या ना बढ़ी? क्या ऐसे है जो 6 दिसंबर की महाकुंभ था ब्राह्मण भगवान परशुराम का जी, उसमें बिचौलिया ने मेरे से बात करी थी जी के पंडित जी हमारे वो टेंट भर दो, जो आपकी मांग है मैं बताओ जी। मैंने कहा हमारी तो एक ही मांग है, मेरे 342 बच्चे ज्वाइनिंग बिना रह रहे, इनको ज्वाइन करा दो और हमारा ईबीपी जी का कोटा बहाल कर दो। ये तुमने क्यों बंद कर दिया? ये 23/1/2013 को कांग्रेस राज में विनोद शर्मा की दया तक मिला था। अब 2020 में ये जो EWS आया, इसकी वजह से ये तो हमने कोटा बंद कर दिया भाई। एक कोटा मिला हुआ बंद कर दिया, दूसरा दे दिया, हमने क्या बेनिफिट हुआ? हमारी पोजीशन तो बाकी स्टेटों से अलग है। हरियाणा केवल ऐसा राज्य है जिसमें ब्राह्मण को EBPC कोटा मिला हुआ है। ये 7 साल का लागू था, चालू था, क्यों बंद कर दिया? तो भाई ये हमारा बाल करो। तो बिचौलिया ने मेरे से वायदा किया था कि आपकी खट्टर साहब से और एजी साहब से और सेक्रेटरी साहब से बात कराएंगे। खट्टर साहब की तो से तो दूर की बात रही, एजी और सेक्रेटरी साहब से बात नहीं कराई। भाई हम चाहते हैं या कि हमारा EBPC कोटा बहाल किया जाए। मतलब आपसे नू मान लें इस बात ने आपको बका के यो प्रोग्राम कर लिया? हाँ, यही समझो जी। मैंने तो चंडीगढ़ जाकर अपील करी कि हरियाणा प्रदेश से हर कोने से हर घर से ब्राह्मण 11 तारीख को तो करनाल पहुँचे और आया भी। इतनी पब्लिक आई कि जो इन्हें जगह बना रखी थी वो छोटी पड़ गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा नू भी सोचे बैठी है ना भाई, ब्राह्मण के दुर्रा तो है नहीं, ये हांड फिर के धक्के खा के भाजपा को वोट देंगे, ये भी तो उनका माइंड सेट तैयार है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास 2024 के लिए बहुत विकल्प है। ये ब्राह्मण जो बीजेपी है हमारे को टिश्यू पेपर समझ रही है, ब्राह्मण समाज को। ब्राह्मण समाज टिश्यू पेपर नहीं है, ब्राह्मण समाज दुधारू गाय नहीं है, दूध पिया रोड पर छोड़ दी। ब्राह्मण समाज चिचड़ नहीं है कि भैंसा होगी तो चिचड़ भी आ जाएगा। हमारे पास दो बहुत विकल्प हैं। हुड्डा साहब से भी हमारे संपर्क, उन्होंने कहा कि पहले भी मैंने ये दिया था 2013 में आपको और अब भी मैं ही बाल कराऊंगा, और हमारी आपसे बात चली हुई है, उन्होंने हमारे से वायदा किया है कि भाई हम EBPC का कोटा आपका दोबारा से बाल कर देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो 3 मई कोई ऐसा काम कर नहीं रहा। नहीं, वो EBPC के लिए तो कहता है जी हमने आपको एक आरक्षण दे दिया। हमारी तो हरियाणा की अलग स्थिति है, हमारे को मिला हुआ तो जो 7 साल पहले मिला हुआ था, चालू था, लागू था, 9,882 बच्चे लगाए दिए। ये तो किसी का भी राज आता, हुड्डा साहब दे गए थे विनोद शर्मा की दात है, वही सरकार लगाती, इन्हें भी लगाए हैं। आगे बंद क्यों कर दिया? आम आदमी पार्टी अगर ये कह दे है कि भाई मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण होगा, ईबीपी जी की बात ना करके, फिर ब्राह्मण क्या आम आदमी पार्टी कहां जाऊंगी?
देखो जी, ब्राह्मण समाज जाएगा ईबीपी जी कोटा का जो बाल करेगा। हम बीजेपी में थे और आज लग हाँ, लेकिन आगे हमें रखना नहीं चाहती बीजेपी, क्योंकि ये ईबीपी जी हमारी जीवन रेखा है, ईबीपी जी हमारी रोजी रोटी है, नौकरी है तो शादी है, शादी है तो प्रजनन है, प्रजनन है तो हमारी संख्या बढ़ेगी। लेकिन इस पर ही विचार नहीं कर रही बीजेपी। ठीक है भाई, हम राज आएगा नहीं आएगा, लेकिन ब्राह्मण समाज खट्टर साहब के राज को खो देगा। मतलब सरकार लेने की गुंजाइश हो ना हो, खोन की गुंजाइश जरूर है। खोन की गुंजाइश है, या तो हमारा बीपी जी कोटा बहाल कर दे, वरना हमने दूसरी पार्टियों तो हमारी बात चली हुई है। हम तो दो दूसरी पार्टियां भी कोर्ट से ऊपर हो के कैसे करें? अगर बहाल करने की बात है, रुके हुए तो कर सके हमें फिर भी मान लेवा, लेकिन बहाल करने के बाद क्या कांग्रेस हुड्डा साहब क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होकर? इस बीच में 23/1/2013 को बाकायदा कांग्रेस राज में कैबिनेट स्तर पर ये प्रस्ताव पास हो चुका था, जिस तरह लागू था चालू था उसी बेस पर दोबारा लागू होना चाहिए ये, और लागू करेंगे ये। जब हमारे को वायदा करेंगे तो लागू भी करेंगे। वायदा तो आपके बिचौलिए भी कर गए थे इस प्रोग्राम में जी, आपकी तो मीटिंग करवाएंगे, खट्टर साहब सामने बैठे होंगे, सेक्रेटरी साहब होंगे, एजी साहब होंगे, और पहली मीटिंग में यार आपका काम ऐसे ठोकड़ी देखे। बिचौलिया का दे था 11 दिसंबर की रैली को सफल बनाने का, वो अपना वो सफल होगी। आगे अब वो फोन भी नहीं उठाते, हमारी मीटिंग करवा देनी चाहिए थी ईवीपीजी कोटे के बारे में, क्यों नहीं हमारा ये ईवीपीजी कोटा बहाल किया जा रहा। जो सीधी बात है, 2024 में ब्राह्मण समाज उसको वोट देगा जो ईवीपीजी कोटा चाहे तो बीजेपी बहाल कर दे, वरना ये जो दो पार्टी है ये बहाल करने का वायदा कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज उधर जाएगा। तो भाई बात तो कुछ ना कुछ तो चल रही है। एक तो 10 साल हो गए को भाजपा ने, वैसे ही लोग नाराज हैं। दूसरा, भाजपा अगर चांस दे नाराज होने का तो लोग दूसरे का मुंह भाई भी बांट देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी यह खबर आ जाए उप मुख्यमंत्री भाई ब्राह्मण होगा, आम आदमी पार्टी भी शगुफा छोड़ दे है ब्राह्मण और बाणिया वोट के मिलान पर, और कहीं ना कहीं भाजपा की 10 साल की इनकमबेंस से भी भाजपा को नुकसान तो देगी ही देगी, और जहाँ पे ये ब्राह्मण नाराज हुए बैठे हैं उसको भी भाजपा मनाने की कोशिश नहीं कर रही। इलेक्शन के लास्ट में जाकर भाजपा काम कर दे तो उस काम का कोई फायदा नहीं, पहले कर दे तो कुछ फायदा हो सके, कुछ सोच सके है। हाँ जी, एक तो हमारे 342 बच्चे जो हैं ऑर्डर लिए घूम रहे हैं, इनको सरकार क्यों नहीं लगाती? 2015 के एडवर्टाइजमेंट के बच्चे हैं ये, उनको आज देखो 8 साल हो गए, उन बच्चों को क्यों नहीं ज्वाइन कराती? क्या अड़चन है? इन पर कोई सटे नहीं है, कोई बात नहीं है। सटे है तो GSO पर और SC पर है, इन पर तो सटे भी नहीं है। इन बच्चों को क्यों नहीं लगा रही है सरकार? अब 26 तारीख को भी हम मुख्यमंत्री से मिले थे करनाल में, उन्होंने कहा कि आप AG से मिल लेना कलम, आप कलम AG से ही मिलकर आए, नहीं कोई संतोषजनक जवाब। तो भाई संतोषजनक जवाब मिल नहीं रहा, और मेरे पर्सनल बिहाव पे बताऊं तो मैंने भी यूं लगा है कहीं ना कहीं नाराजगी ब्राह्मण समाज में बढ़ रही है। 10 साल की इनकमबेंसी और काम ना हो पाना ईवीपीजी के, और भी जो पैरावर की ज़मीन है, जो दोड़ी की ज़मीन है, और कई मामले पे सरकार से नाराज हैं लोग। तो इतने सरकार में काम करेगी, इतने लोग प्रॉपर नाराज हो जाएंगे, फिर वह लॉलीपॉप देने वाली बात है, नो बकावे मैं आवे कौन भाई। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में बनाए थे, तब तक ले देने वाला जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।